क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। आज हम संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं। संधारित्रों का वितरों का संयोजन नंबर वन है श्रेणी संयोजन। इस श्रेणी संयोजन को करने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए तीन संधारित्र लिया है, ये इसकी धारिता C1, C2 और C3 है। इस पर मैंने प्लस क्यू आवेश को प्रवाहित किया। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो प्लस क्यू इधर पे आ जाता है, माइनस क्यू इधर पे आ जाता है। इस पे आया हुआ प्लस क्यू इस पे ट्रांसफर हो जाता है, माइनस क्यू इधर आ जाता है, फिर प्लस क्यू इस पे आ जाता है, माइनस क्यू इस पे आ जाता है, और लास्ट वाले संधारित्र को मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, इसके बीच का विभवांतर मैंने V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया और यहाँ पर मैंने V3 मान लिया। इसके तुल्य परिपथ, तुल्य परिपथ को मैं लेके चलता हूं, तो मैंने मान लिया कि इन प्लेस ऑफ दीज थ्री मेरे पास कैसा है, एक सिंगल संधारित्र है ये, जिस पर आवेश मैंने प्लस क्यू दिया हुआ है। ये प्लस क्यू आ गया, ये माइनस क्यू, और इसको मैंने अर्थिंग कर ली। इसकी धारिता सी, इसके बीच का विभवांतर कितना है, वी के इक्वल है। तो देखिए तीन संधारित्र धारिता C1, C2 एवं C3 श्रेणी क्रम में है। एवं तुल्य धारिता सी है। ठीक, तो ये तुल्य धारिता यहां पर कितनी है, सी है। आवेश सब में बराबर आते हैं, इसलिए कुल विभवांतर, अब आपको मालूम है विभवांतर कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि, अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण विभवांतर V1, V2 और V3 का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, V=V1+V2+V3 लेके चलता हूं। आपको मालूम है Q=कितना आता है, CV, इसलिए V=Q/C, इसको समीकरण नंबर एक कर दो। ठीक, इसलिए V1Q/C1, क्योंकि आवेश सब में कैसा है, बराबर। V2=Q/C2, V3=Q/C3। तो आपके पास देखिए समीकरण दो से मान एक में रख दीजिए, समीकरण दो से मान एक में रखने पर ये पूरे मान रख दीजिए, तो V की जगह Q/C, V1 की जगह Q/C1, Q/C2, Q/C3, इसलिए 1/C=1/C1+1/C2+1/C3 आ जाता है। इसका मतलब है धारिता संधारित्रों की कैसी हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, सभी छात्र इसको नोट। देखो बेटा, दूसरा है संधारित्रों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन के लिए मैंने तीन संधारित्र लिए, ये
इसकी धारिता सी वन, इसकी धारिता सी टू, इसकी धारिता सी थ्री है। अब कंडीशन क्या है, जब अगर ये समांतर क्रम में है तो मेरे पास ये सब एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं। ये अगर मैं यहां पर आवेश क्यू देता हूं तो आवेश क्यू यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड होके इसके ऊपर कलेक्ट होता है। पहला पार्ट क्यू वन, दूसरा पार्ट क्यू थ्री और तीसरा पार्ट क्या हो गया, क्यू टू क्यू थ्री हो गया। इसको मैं अर्थिंग कर देता हूं, ये इस पे मेरे पास प्लस क्यू वन और इस पे माइनस क्यू वन, और ये प्लस क्यू वन अर्थ में चले गए। ऐसे यहां पर प्लस क्यू टू, यहां पर माइनस क्यू टू आ जाएगा। ऐसे यहां पर प्लस क्यू थ्री, यहां पर माइनस क्यू थ्री आएगा, और प्लस क्यू थ्री मिलके कहां चले जाएंगे, अर्थ के अंदर चले जाएंगे। अब चूंकि ये एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इस पॉइंट को मैं ए कर देता हूं, इस पॉइंट को बी कर देता हूं, और इनके बीच का विभवांतर मैं क्या मान लेता हूं, वी मान लेता हूं। चूंकि विभवांतर समांतर क्रम में इक्वल होता है, इसलिए ए और बी के बीच का विभवांतर यहां पर क्या हो गया, बी हो गया। मैं यहां पर तुल्य परिपथ बना लेता हूं, तुल्य परिपथ। इस तुल्य परिपथ में क्या हो गया, आपके पास ये संधारित्र सी हो गया, आवेश क्यू आ रहा है, विभवांतर वी है, और ये अर्थिंग में चले गए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, तीन संधारित्र सी वन सी टू एवं सी थ्री समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, जिनकी तुल्य धारिता सी है। इन तीन की जगह मैंने क्या कर दिया, एक संधारित्र सी लगा दिया। किस बिंदु पर, बिंदु ए और बिंदु बी पर। ठीक, एवं विभवांतर वी है। ठीक, विभवांतर वी है। तो आपको मालूम है कि अगर मैं इसको, ये कॉन्सेप्ट को जानता हूं संधारित्र के सिद्धांत से, क्यू इक्वल टू कितना होता है, सी वी। इसलिए कैसा आ जाएगा, क्यू वन इक्वल टू सी वन वी, सबका विभवांतर इक्वल होगा। क्यू टू इक्वल टू सी टू वी, क्यू थ्री इक्वल टू सी थ्री वी। क्योंकि क्यू इक्वल टू कितना होगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए तो क्यू इक्वल टू कितना आ गया, सी वी। क्यू वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वन वी, सी टू वी प्लस सी थ्री वी। इसलिए दोनों साइड से वी को हटा दो तो सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री की वैल्यू के इक्वल आता है। इसका मतलब क्या हो गया, संधारित्र की धारिता कैसी होती है, ऐड हो जाती है। ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। इसको आप पॉज करिएगा और पॉज करने के बाद इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से वो तो नोट करिएगा। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से।